हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैं यार जस्ट ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के जगी हूँ। और इतनी लेट इसलिए जगी हूँ क्योंकि भाई इसने पूरी रात जगाया है हमारी प्यारी सी बेटी रानी, हमारी प्यारी परी। सुबह के 5:30 बजे सोई है, उसके बाद 5:30 बजे सोई है, तब जा करके मैं इसको सुला करके अच्छे से तब मैं सोई हूँ, वरना पूरी रात इसने आज मुझे इतना जगाया है। इसको पूरी रात जो है गोद में लेके बैठी रही हूँ मैं इसको। हाँ मतलब गोद में जो इसको सुलाती रहती थी, जैसे ही सो जाती थी मैंने इसको लिटाया, और जैसे ही इसको बिस्तर पे लिटाया ये वैसे ही जग जाती थी, बिल्कुल सो ही नहीं रही थी। इसे रात में पता नहीं क्या, इसने एक हफ्ते से अपना क्या रूटीन बना लिया है, काफी दिन में पूरे दिन सोएगी और रात में पूरी रात जागेगी। सुबह की वही 5 या 6 बजे जाके सोती है, और अब आज भी ऐसे बातें करते करते मुझे ये बता दो, ब्रेड कितने खाओ सीखे हुए? एक मैं कहीं ना मुश्किल से मुझे से एक ही खावेगा। ब्रेड खाओगे, हाँ, तांसू दो और ब्रेड एक में हफ्ते से मिलेंगे? यही हाल हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ना मैं मतलब मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, तो उसकी वजह से मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई है। 4-5 दिन से फीवर आ रहा है मुझे, मेडिसिन लेती हूँ फीवर उतर जाता है, और जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ वही तांशु वाली बात हो रही है, तांशु को वायरल फीवर हो गया था, सेम ऐसे ही मुझे भी हो गया है। बट मुझे जो है ठंड के साथ आ रहा है, तांशु को ठंड के साथ नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, ठंड लग करके फीवर आ जाता है, और उसके साथ मुझे पेट में भी दर्द हो रहा है, इतनी ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, पेट में इतना दर्द हो रहा है कि पूछो मत। और रात में ना जब इसको गोद में लेके बैठती हूँ, उसको गोद में लेके हिलाती हूँ सुलाती हूँ ना, तो उस वक्त तो और भी ज़्यादा पेन होता है, तब तो मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक झेलता है तब तक मैं जो है इसको गोद में लेके बैठी रहती हूँ, जब नहीं झेलता फिर मैं इनको जगाती हूँ। मैंने कहा अब नहीं इसको मैं लेके बैठ पा रही, मैंने कहा अब आप लेके बैठो इसे थोड़ी देर, मैंने कहा आप देखो अगर आपकी गोद में सो जाए तो, मैंने कहा आप सुला दो इसे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं सो रही है। तो ऐसे ही जो है इसको संभाल रहे हैं, उनको तो मैं बहुत कम जगाती हूँ, जब ज़्यादा ही जरूरत पड़ जाती तब मैं उनको जगाती, क्योंकि भाई उन्हें सुबह स्कूल जाना है और दिन में भी ज़्यादा उनको सोने को मिलता नहीं है, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशंस के, तो इसलिए फिर मैं उनको ज़्यादा नहीं जगाती हूँ। जब ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ जाती है, जब मुझे मुझसे जब नहीं संभाला जाता, अभी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है, तब मुझे इन्हें जगाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से फीवर चढ़ाता है मुझे रात में ही, पेट में दर्द, फिर इसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक हफ्ते से ये हाल हो रहा है, इस चक्कर में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि पूछो मत। नींद मेरी पूरी हो ही नहीं पा रही है, दिन में सो लेती हूँ मैं, बट वही है ना, दिन में आप कितना भी सो लो, रात की जो नींद है ना वो दिन में कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। और अभी देखो, और अब देखो ये सुबह 5:30 बजे सोई है, और अब ये पूरे दिन सोती रहेगी, लेकिन आज मैं ना इसको सोने नहीं दूंगी, आज मैं इसको जगा के रखूंगी। अभी तो सो लेने देते हैं, क्योंकि सुबह के 5:30 बजे सोई है, तो अभी तो इसे नींद पूरी कर लेने देते हैं, लेकिन जैसे इसकी नींद पूरी हुई ना, आज मैं इसे दिन में शाम को बिल्कुल नहीं सोने दूंगी। आज मैं इसे बहुत परेशान कर दिया है इसने वाकई में। हाँ बेटा, और भाई गर्मा गर्म नाश्ता दे दिया तांतु तांतु। टेबल पे सामान हटा दूँ सारा, और भाई ये लड़की चक्कर कितना काम फैलता है। देखो ये इनकी सबकी मेडिसिन चल रही है, ये इनकी मेडिसिन रखी, ये मेरी मेडिसिन रखी है, तांशु की भी अभी मैं एक्चुअली खिला दी क्या हूँ, है अब इसे फीवर गाइस, तो नहीं आ रहा। ये मौसम ऐसा चल रहा है कि वायरल फीवर बहुत चल रहा है। अभी पहले इसको आ गया था, अभी थोड़ा सा ही हुआ है, मम्मी को आ गया है, तो बड़ा समस्या अटक गई है। फिर ऊपर से हमारी लाली को बड़ा दिक्कत हो गई है, टाइम का चेंज हो गया सोने उठने का। 6 दिन हो गए हाँ, मुंदा, एक हफ्ता ही हो गया, और क्या, तांशु के बर्थडे से उसका यही हाँ हाल है, बर्थडे से टाइम चेंज कर दिया, बर्थडे। बस हाँ गुस्सा हो गया लगता बर्थडे हाँ बर्थडे में गुस्सा हो गया मेरा। से। लो, आपने मुझे परेशान किया, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। बर्थडे हम लोगों ने इसको सोने नहीं दिया आपको, है ना, क्योंकि हाँ, तो अब अभी ये सोती हमें नहीं परेशान है। कर रही है, तो ये अब आज इसको कहिए सोने भी नहीं नाश्ता देना। करेगी, अब एक बार खेल सीख लूंगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्लड खा के सो जाना है ना, दूध दूध पी रहा आज, जल्दी बड़ी हो जाए।
और नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। जब पसीना आकर के गर्मी रखकर के फीवर उतरा, उसके बाद फिर मैंने ये काम करना शुरू किया। तो फिर मैं पहले किचन में आई, किचन में आके मैंने खाने की तैयारी की। मैंने सब्जी बनाई लौकी की, तो और अपने लिए जो है खिचड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि पेट में दर्द है, गैस बने, तो मैंने खिचड़ी खाई, भोजन सही रहेगा मेरे लिए। और फिर रोटी ना मुझे अच्छी भी नहीं लग रही है इस वक्त, फीवर की वजह से मुँह कड़वा कड़वा हो रहा है, तो रोटी अच्छी भी नहीं लग रही है। और वैसे मैं लौकी की सब्जी ना चने की दाल डाल के बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन अभी ना इनको जो है दाल है सारी मना है, क्योंकि इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है, तो दाल सारी मना कर दी गई है इनको, तो इसलिए फिर मैं सिंपल लौकी की सब्जी बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई होती है, तो आपको ये लगता है कि मैंने मसाले ढंग से पकाए नहीं, बट मसाले मैं ढंग से पकाती हूँ, बट वीडियो की स्पीड मैं बढ़ा देती हूँ, क्योंकि अगर आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे तो पूरा ब्लॉग जो है इसी पे ही बन जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं हम दिखा पाएंगे, लेकिन हमें जो है 10-12 मिनट के ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, तो भाई स्पीड तो बढ़ानी पड़ती है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने खिचड़ी बना दी अपने लिए, सब्जी छोंक दी, आटा लगा के रख दिया है, और ये पलंग सेट कर दिया मैंने, अभी ये बेड सेट करना रह गया। ये वामिका हमारी सो रही थी, तो मैंने इसे अभी सेट नहीं किया था, अभी ये जगी है। तांशु जो ऐसे खिला रहा है, चुप करा रहा है, तो उसको पलंग पे लेटा दे रही हूँ, उसके बेड की बिस्तर सेट कर दूँ। फिर जो है नहा करके मुझे जाना है इंजेक्शन लगवाने, दर्द के इंजेक्शन लग रहे हैं, पेट में जो दर्द था उसके लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन बोले सुबह शाम लगने के लिए, तो एक तो शाम को लग ही गया था, वहीं साथ के साथ लग गया था जब डॉक्टर दिखा करके आई थी, तो एक अभी आज सुबह लगेगा, फिर शाम को लगेगा, फिर कल सुबह लगेगा, और फिर कल शाम को फिर जो है डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो फटाफट से जो है रूम सेट कर दूँ, उसके बाद नहा करके रेडी होती हूँ मैं। और अभी मैंने ये बेड सेट कर दिया, तो अभी मैं वहाँ तक उसी पर ही जो लिटा दूँगी, और सारे कपड़े जो इसके वहीं मैं रखती हूँ इसको पहनाने के, क्योंकि बाबा टॉयलेट वगैरह करती है तो कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं इसके, तो इसलिए फिर मैं यहीं बेड पर ही रखती हूँ इसके। और हमारी बिटिया रानी कितना आराम से सो रही है, हमारी नींद ख़राब करके हमें रात को सोया करती, खुद अपनी दिन में नींद पूरी कर लेती है। और आज संडे था, तो आज मैं अभी जो है 2 घंटे सो ली इसको सुलाने के बाद, लेकिन जब स्कूल जाना होता है इन दोनों को, तांशु तांशु के पापा को, तो भाई ये सोती 5:30 बजे है, तो फिर मैं नहीं सो पाती हूँ, फिर तो मैं इसको सुला करके जो है घर के काम में लग जाती हूँ, इनके लिए दोनों के लिए लंच बनाना, नाश्ता बनाना, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं होता है सोने का, फिर तो जो है घर के सारे काम से फ्री होकर के दिन में ही रेस्ट कर पाती हूँ। और ये शुरू से नहीं हो रहा, पिछले एक हफ्ते से ही हो रहा है ऐसा, वरना तो ये रात में अच्छे से सोती है, बस हर 2 घंटे पे जाती है दूध पीने के लिए और दूध पी के सो जाती है, लेकिन अभी तो ये एक हफ्ते से रात में बिल्कुल सोती ही नहीं है। और हम ये सोचेंगे चलो ये खेल रही है तो हम लोग सो जाएं, ये बेड पर लेटे आराम से खेली, तो वो भी तो नहीं होता है, ये जो है बेड पर लेटे लेटे आराम से खेलती भी तो नहीं है, रोने लगती है थोड़ी देर में ही, तो फिर इसको गोद में लेके बैठना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, और शायद इसी वजह से मैं बीमार भी पड़ गई हूँ, क्योंकि रात में नींद नहीं पूरी हो पा रही, तो ये इंसान बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अब इसमें छोटी बच्ची को भी दोष नहीं दे सकते, उसका रूटीन है तो हो ही गया, तो क्या कर सकते हैं, बट आज मैं शाम को उसको जो है ज़्यादा सोने नहीं दूँगी, जगा के रखूँगी ताकि रात में अच्छे से सो जाए। और अभी यहाँ मेरा घर में पूरा झाड़ू पोछा भी हो गया है, और ये मेरे वामिका के कपड़े हैं ये भी धुल दिए हैं मैंने, तो ये सुखा दे रही हूँ। और मैं जो है वामिका के कपड़े मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ, और इनके और तांशु के कपड़े तो वो मशीन में धुल दिए हैं मैंने। और यहाँ मैं आ गई हूँ नहा करके, मैं रेडी हो रही हूँ, इंजेक्शन लगवाने जाना है मुझे, इंजेक्शन लगवा के आके फिर जो है खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर अभी ये तांशु को पढ़ा रहे हैं, और प्रेगनेंसी और डिलीवरी की वजह से ना मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो और वैसे भी गर्मी में मैं जो है ऐसे जूड़ा बना करके ही रखती हूँ, मैं बाल बहुत कम खोलती हूँ, ऐसे ही जूड़ा ही बनाती हूँ, जब भी मुझे घर में भी रहना हो तो भी जूड़े में ही रहती हूँ, कहीं बाहर जाना हो तो भी जो है जूड़ा बना के ही जाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ हेयर कटिंग कराने के लिए, लेकिन वही है टाइम ही नहीं मिल पा रहा, अब तबीयत ख़राब चल रही है, तो कुछ तो मैं गर्मी की वजह से हेयर ओपन नहीं रखती, और कुछ जो हेयर की कंडीशन ही अच्छी नहीं हो रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, रफ भी हो रहे हैं।
और अभी मैं इंजेक्शन लगवा करके आ गई हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और दूसरी गैस पे मैंने अपने लिए पानी गर्म होने रखा है, तो मैं गर्म पानी पीऊँगी। देखते हैं शायद उससे थोड़ा सा आराम मिल जाए गर्म पानी से। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे ऐसा नहीं बताया गर्म पानी पीने के लिए, लेकिन मैं खुद ही जो है अपने लिए गर्म कर रही हूँ। फीवर आ ही रहा है, पेट में भी दर्द है, तो पानी बॉयल करके फिर उसे ठंडा करके तब पीऊँगी मैं। और अभी खाना वगैरह सब हो गया है, मैंने अपनी जो मेडिसिन ले ली है दूध वाली, और बस मैं ये गैस वगैरह साफ़ कर दूँ। और अभी ये दूध लेकर के आ गए। वैसे तो दूध हमारे यहाँ शाम को आता है, लेकिन कल शाम को नहीं लाए थे कि आज संडे छुट्टी है तो आज ले आएंगे, तो इसलिए फिर अभी बस दूध लेकर के आए हैं ये खाना खा करके। और मैं जो है अभी इनसे कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही थी, याद नहीं है मुझे। यहाँ पर मेरी गैस साफ़ हो गई है और स्लैब भी साफ़ हो गई है, और उसके बाद सोचते हैं बर्तन पड़े हैं वो भी धुल के रख दूँगी, फिर आराम से जो है मैं रेस्ट करूँगी। और फ्रेंड्स देखो, औरत जो है कितना भी बीमार पड़ जाए लेकिन घर के काम तो उसे करने ही पड़ते हैं, और एक उसके बीमार पड़ जाने से ना पूरे घर जो है किस तरह डामा डोल हो जाती है। तो भाई औरत बीमारी में भी आराम नहीं कर सकती, दवाई खा के उसे काम करने ही हैं घर के, चाहे धीरे धीरे करे आराम आराम से करे, लेकिन घर के काम तो करने ही हैं उसे। वैसे तो मेरे हस्बैंड मेरी जो हैं बहुत हेल्प कराते हैं, लेकिन उनसे भी मैं कितनी हेल्प लूँ, क्योंकि वहाँ वो खुद जो है इतने परेशान रहते, थक जाते हैं, स्कूल पूरे दिन भर स्कूल में बने रहते हैं, स्कूल सुबह निकल जाते हैं, यहाँ से 7:15 बजे निकलते हैं, फिर वही 3 बजे आते हैं, उसके बाद 3 बजे आ करके मुश्किल से बस 1 घंटा रेस्ट कर पाते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके। फिर जो है ट्यूशन्स वाले बच्चे आ जाते हैं 4:30 बजे, फिर 2 घंटे उनको ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, 6:30 बजे फ्री होते हैं, उसके बाद फिर जो है पूजा वगैरह वो ही करते हैं इस वक्त, और फिर जो है तांशु को भी फिर एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, टाइम देते हैं उसे, और फिर राधिका को संभालने में भी मेरी हेल्प करते हैं, जब वो रात में नहीं सोती फिर भी रात जगती है उसमें भी मेरी हेल्प करते हैं, और घर के छोटे मोटे काम में भी मेरी हेल्प करवा देते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत है। और सुबह का नाश्ता भी उन्होंने ही बनाया आज। और फ्रेंड्स अभी मैं बस काम से फ्री होकर के आई, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उससे पहले सोचा मैंने कुछ देर आप लोगों से बात कर लूँ। और इस वक्त का मौसम बहुत ख़राब चला है, बारिश वाला मौसम ना बहुत ख़राब होता है, एकदम बीमारी वाला मौसम होता है, एकदम से गर्म हो जाता है मौसम, एकदम से ठंडा हो जाता है, तो ये मतलब बीमारी वाला मौसम है। इस टाइम ना फीवर, वायरल फीवर, पेट में दर्द, इन्फेक्शन सब बहुत चल रहा है। मैं कल डॉक्टर को जब गई थी दिखाने तो वहाँ भी लाइन लगी हुई थी पेशेंट्स की, और आज भी जब मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी तो आज भी ना लाइन लगी हुई थी, डेली के पेशेंट्स आ रहे हैं फीवर के और अब पेट दर्द इन्फेक्शन वगैरह के, वॉमिटिंग के। तो फ्रेंड्स इस वक्त आप भी अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सब ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तांशु भी जो है 1 हफ्ते से बीमार था, तांशु को भी जो है 25-26 तारीख से फीवर आ रहा था, लेकिन अब तो वो ठीक है, उसकी जो मेडिसिन चल रही थी 1 हफ्ते से, तो अब तो उसे बहुत आराम है। और मैं भी जो है 5-6 दिन से परेशान हूँ, तो मेरा भी यही फीवर है कि मतलब दवाई खाती हूँ तो सही हो जाता है, उतर जाता है, जैसे दवाई का असर ख़त्म हुआ फिर आ जाता है। तो अभी तो मैंने मेडिसिन ले ली थी सुबह, तो अभी तो है नहीं है, दोपहर फिर से खा ली मेडिसिन अभी मैंने, तो अभी तो मुझे फीवर नहीं है, लेकिन कहीं शाम तक ना आ जाए, अब देखते हैं। तो वैसे भी अब कल डॉक्टर ने दोबारा बुलाया ही है मुझे दिखाने के लिए, तो कल फिर जाना है डॉक्टर को दिखाने। बस ये जो बार बार फीवर आ जाता है ना, बहुत परेशान कर देता है, इसकी वजह से मेरा मुंह का टेस्ट भी कड़वा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, रोटी सब्ज़ी मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी खाना एकदम वॉमिटिंग सी आती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस वक्त। तो यही दुआ कर रही हूँ जल्दी से सही हो जाऊँ, क्योंकि भाई ऐसे बीमार और ये बिस्तर पड़े ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, मुझे क्या किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि वो ऐसे बीमार बिस्तर पड़े ना, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। और इस वक्त ब्लॉग भी थोड़े लेट हो जाते हैं, क्या करूँ, एक तो बीमार ऊपर से काम का लोड है, छोटी बच्ची है, तो इससे थोड़ा ब्लॉग लेट हो जाते हैं, अब क्या करें भाई, बीमार हैं तो हैं, घर के काम तो करने ही हैं, छोटी बच्ची को भी संभालना है, भाई सब मैनेज करना है, तो बस मैं जल्दी से सही हो जाऊँ।
चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स जाने से पहले मुझे किसी को बर्थडे विश भी करना है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं कीर्ति सोनी, उनकी बेटी माही सोनी का बर्थडे है। तो माही बेटा आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। और फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।